अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। और आज जो है हम बनाने वाले हैं न्यू रेसिपी चिकन पालक और आलू की। तो यहाँ पे जो है हमने कुछ मसाले लिए हैं, पिसावा हमने को साबुत धनिया लिया है और हाफ टी स्पून जो है हमें जायफल जावित्री दी थी। यहाँ पे जो है हमने 3 मीडियम साइज़ की प्याज ली है जिनको हमने कट कर लिया। अदरक लहसुन के पेस्ट को हमने इमामदस्ते में कुचल लिया है। हरी मिर्ची नहीं थी हमने उनको भी कुचल लिया है। और टमाटर थे 2 से 3 अदद और पालक थी और चिकन थी, इसको हमने वॉश कर लिया है। और यहाँ पर हमारे खड़े मसाले हैं, खड़े मसालों को जो है ऐड कर देना है ऑयल के अंदर। ऑयल हमारा क्योंकि गर्म हो चुका था और हमने आलू भी दिया, तो यहाँ पर जब हम प्याज भी ऐड कर देंगे अच्छे से उसको फ्राई करेंगे। यहाँ पे मैंने अपने जो सारी प्याज ऐड कर दी है और अब जो है मैं इसको जो है लाइट ब्राउन कर दूँगी। यहाँ पे जो है मैं अच्छे से चला रही हूँ क्योंकि जो प्याज वगैरह है वो जले नहीं। और यहाँ पे जो है अब मैंने पालक को जो है बॉईल करने के लिए रख दिया है कि इससे जो है नरम पड़ जाए पालक। तो यहाँ पर जो है पालक नरम पड़ रही है और यहाँ पर मैंने चिकन भी डाल दी है फ्राई करने के लिए अपने सालन के अंदर। प्याज के अंदर जो फ्राई होगी ऑयल के साथ ही, और प्याज के साथ ही फ्राई आएगी चिकन। और उसके साथ अदरक लहसुन का पेस्ट कर देंगे क्योंकि जो बेसान होती है गोश्त की वो जो है चले जाए। तो अच्छे से इसको भूनेंगे अदरक लहसुन के पेस्ट के अंदर। यहाँ पे जो है हमने अदरक लहसुन के पेस्ट के अंदर भून लिया है। और यहाँ पे जो है हमारे इन्ग्रीडियंट्स और बता देती हूँ, हमने इसके अंदर निकाल लिए हैं और हाफ टेबल स्पून हल्दी निकाल ली है। हाफ टेबल से कम जो होता है 1/4 टीस्पून हमने इसके अंदर ब्लैक पेपर ऐड किया है। और टेस्ट अकॉर्डिंग हमने सॉल्ट निकाल लिया है। तो यहाँ पे जो है मैंने फिर अगर नाम चिकन को अच्छे से फ्राई करने के बाद इसके अंदर ऐड कर दिए हैं टमाटर और जो हमारे सारे स्पाइसेस थे वो ऐड कर दिए हैं हमने। तो इसको जो है अच्छे से भूनना है सारे स्पाइसेस डालने के बाद, क्योंकि चिकन ने पानी छोड़ा है थोड़ा सा, आप लोग देख सकते हैं। तो इसको जो है थोड़ा खुश कर लेते हैं। यहाँ पर जो है हमारी जो ग्रेवी है बहुत मज़ेदार सी हो चुकी है और हमने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं क्रश हुई ये हरी मिर्चें जो उसको जो है हमने कुछ लिया था मामदस्ते में। तो यहाँ पे जो है उनको भी अच्छे से भून लिया है। उसी के साथ हम इसके अंदर ऐड कर देंगे योगर्ट, मतलब दही। दही जो है हमने 2 से 3 टेबल स्पून ऐड कर दिया है और उसको जो है अच्छे से मिक्स कर लेना है ग्रेवी के लिए। तो यहाँ पे अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे पटाटो। पटाटो इसलिए ऐड कर देना है जल्दी क्योंकि क्या कहते हैं मसाले के साथ जब्स हो जाए और बहुत मज़े सा टेक्स्चर आए। और फिर साथ इसके अंदर ऐड कर देते हैं पालक। पालक जो है हमारी गल चुकी तो हमने ऐड कर दी है जल्दी से। ओके, तो यहाँ पर हमारे हमने पालक ऐड कर दिया, हमारे साथ कितना प्यारा लग रहा है। तो अब हमारी पालक वगैरह जो है ऑलमोस्ट रेडी होने ही वाली है। तो इसको जो है हम पालक ऐड कर देंगे और यहाँ पे जो हम हरी मिर्ची थोड़ी सी ऐड कर देंगे बची थी और कुटी मिर्ची। ठीक है, यहाँ पे जो हमने कुटी मिर्ची ऐड कर दी है हमने 1 टेबल स्पून भर के। यहाँ पर हमारी कुटी मिर्ची ऐड हो चुकी हैं और ये बहुत मज़े का बनता है। आप लोग पहले हमारी वीडियो को जाइए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल का नाम भूलिएगा। और यहाँ जो है हमारा पालक आलू ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है और ये बहुत ज़्यादा मज़े का लग रहा है। पहले से नमन के ऐड कर देते हैं गरम मसाला थोड़ा सा और जायफल जावित्री, जिसका टेस्ट बहुत मज़े का आएगा और आप लोगों को बहुत मज़े का लगेगा। और तो आप लोग जो है अपनी फैमिली के साथ ज़रूर बनाएं क्योंकि फैमिली के साथ बनाएंगे तो अच्छा लगेगा। लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें ना भूलिएगा, शेयर बटन को भी दबा दिएगा। अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें वीडियो को। चलें यहाँ पे हम आपको टेस्ट करके दिखाते हैं और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ना भूलिएगा। चलें अल्लाह हाफिज़, बहुत मज़े के बने थी, बाय।